गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में फाइनली मैं रिव्यू करने वाली द वायरल 24 कैरेट गोल्ड मास्क। आपको भी पता होगा कि इंटरनेट में हर जगह ऑलमोस्ट आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगा। आप इंस्टाग्राम ले लीजिए या फिर आप यूट्यूब शॉर्ट्स ही ले लीजिए, आपको हर दूसरे रील या शॉर्ट्स में देखने को मिल जाएगा। इतना ज़्यादा वायरल हो गया तो मुझे था कि मैं इसको ट्राई करूँ। तो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ पिलग्रिम 24 कैरेट फेशियल मास्क। और ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये प्रोडक्ट मुझे स्मिटन से रिसीव हुआ है। कुछ आई थिंक 1 ट्रायल पॉइंट का मैंने इसको मंगाया है। आप इसका बड़ा साइज का प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं पिलग्रिम के ऑफिशियल वेबसाइट से, नायका अमेजोन वगैरह में भी आपको ये इजिली मिल जाएगा। इसकी जो टोटल क्वांटिटी आती है 50 ग्राम की प्रोडक्ट आती है जो कुछ 495 रुपीज का रहता है। बात करूँ इस प्रोडक्ट की तो इसमें 6 ग्राम की क्वांटिटी है एंड इसके पीछे इसकी MRP दे रखी है 150 रुपीज। तो 6 ग्राम मतलब मैं 1 से 2 बार इसको यूज कर सकती हूँ और इतना काफी है एक प्रोडक्ट को रिव्यू करने के लिए, स्पेशली जब हम बात करते हैं किसी फेशियल मास्क की। तो अब बात करते हैं ये प्रोडक्ट इतना वायरल क्यों जा रहा है। मुझे जहां तक लगता है कि इसका जो कलर है ना, इस कारण से ये वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं पूरा गोल्ड कलर है, टेक्सचर भी एकदम 24 कैरेट गोल्ड की तरह है। आपको लिटरली फील होगा कि आपने अपने फेस में गोल्ड लगाया हुआ है क्योंकि इसका टेक्सचर एंड इसका कलर एग्जैक्टली गोल्ड की तरह है। तो पैक में लिखा है कि इसमें यूज किया गया है 24 कैरेट गोल्ड एंड साथ में इन्होंने ऑलिव ऑयल का यूज किया है क्योंकि इसमें 24 कैरेट गोल्ड है तो आपकी स्किन को ब्राइटन करेगा, कॉलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करेगा, रिंकल्स को कम करेगा। ऑलिव ऑयल का यूज है तो मतलब आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, मॉइस्चराइज करेगा। ब्रांड ने क्लेम किया है कि ये आपके फेस को ब्राइटन कर देगा, ग्लोइंग कर देगा फर्स्ट यूज से ही। आपको फर्स्ट यूज के बाद ही विजिबल रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ये तो खैर अभी हम थोड़ी देर में चेक करेंगे। बात करूं आपको इसको यूज कैसे करना है, आपको सिंपली फेस को वॉश करना है। इसका एक अच्छी क्वांटिटी में अपने फेस एंड नेक एरिया में आप लगा सकते हैं। 20 मिनट के लिए आपको इसको रेस्ट पे रखना है एंड देन आप न्यू वॉर्म वाटर से इसको वॉश कर सकते हैं। तो सेम प्रोसीजर हम लोग भी फॉलो करेंगे। मैंने भी अपने फेस में कोई मेकअप वेयर नहीं किया, अभी मैं जस्ट मुंह धो के आपके सामने बैठी हूँ तो मेरे एक्ने हैं एंड मार्क्स है। लाइकवाइज मेरे स्किन में बहुत ज्यादा अनइवन पैचेस भी हैं। अब मैं फटाफट इसको ट्राई करके देखती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस प्रोडक्ट को ट्राई करने के लिए। वाओ, लिटरली ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने फेस पे गोल्ड यूज किया है। ओ माय गॉड, ये एकदम रियल गोल्ड की तरह ग्लेज कर रहा है। बट एक चीज़ है गाइस, इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर आप एक ऐसे पर्सन है जिसको अपने प्रोडक्ट में फ्रेग्रेंस का यूज़ पसंद नहीं है तो माइट भी आपको ये प्रोडक्ट उतना पसंद नहीं आए क्योंकि इसकी जो स्मेल है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। फेस में मैंने इवनली स्प्रेड कर लिया है मास्क को। अब हम लोग वेट करते हैं 20 मिनट ताकि हम इसका रिजल्ट देख पाए। उससे पहले प्रोडक्ट की जो स्मेल है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। सेकेंडली मुझे अपने फेस में थोड़ा सा सेंसेशन फील हो रहा है, थोड़ा सा जलन मुझे हो रहा है अपने चिक्स में, नोज एरियाज में। इसको यूज करने से पहले मैंने बहुत सारे रिव्यू देखे हैं, किसी ने भी ऐसा मेंशन नहीं किया कि फेस में बर्निंग सेंसेशन होते हैं। सरप्राइजिंगली मेरी फेस इतनी ज्यादा सेंसिटिव नहीं है, मुझे हर एक प्रोडक्ट इजिली सूट कर जाता है, फिर भी मुझे बर्निंग सेंसेशन हो रहा है। और ये बिल्कुल वैसी फीलिंग आ रही है जैसे मैं कोई पीलिंग सोल्यूशन अपने फेस में लगाती हूँ ना एंड मुझे थोड़ी देर के लिए जलन एंड बर्निंग सेंसेशन होते हैं, वैसी मुझे फील आ रहा है। आई डोंट नो व्हाई, लेट्स सी। मैं इसको 20 मिनट तब भी रखूँ क्योंकि पैकेट में मेंशन है तो 20 मिनट रखती हूँ एंड फिर मैं आपसे मिलती हूँ और इसका रिजल्ट आपको दिखाती हूँ। तो 20 मिनट से ज्यादा हो चुका है एंड द गुड पार्ट इज कि इसने बिल्कुल भी ड्राई नहीं किया है। मास्क वैसी कंसिस्टेंसी में है जैसे मैंने इसको स्टार्टिंग में अप्लाई किया था जो कि मुझे काफी अच्छा लगा। एंड द बैड पार्ट इज अभी भी मुझे मेरे फेस में ईचिंग हो रही है, बट जो पहले हो रहा था वो थोड़ा ज्यादा था, अभी थोड़ा सा कम हो गया है, बट अभी भी मुझे अपर लिप्स एंड चिक्स एरिया में ईचिंग हो रहा है। तो मैंने फेस वॉश कर लिया है एंड रिजल्ट काफी अच्छा लगा मुझे। एज आई सी, यस, मेरे फेस में काफी अच्छा सा ग्लो आया है, स्किन थोड़ी सी ब्राइटन भी मुझे लग रही है। अब समझ आ रहा है कि ये प्रोडक्ट इतना ज्यादा वायरल क्यों हो रहा है, क्योंकि ये एक्चुअली काम करता है। अब बात करते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की, तो यस, ये प्रोडक्ट मेरे फेस पे काम किया है, मुझे रिजल्ट इसके अच्छे लगे। बट आई डोंट थिंक मैं इसको दोबारा परचेज करूँ क्योंकि मुझे उस टाइप के प्रोडक्ट पसंद नहीं आता जो फेस पे थोड़ा सा हार्श हो, क्योंकि मैंने इसको जब से लगाया है मेरे फेस में बर्निंग सेंसेशन थी और वॉश करते टाइम भी मेरे आंखों में इसका जो पानी चला गया था और उससे मेरे आंखों में भी इरिटेशन हो रही थी। और यूजुअली इस टाइप के प्रोडक्ट को मैं दोबारा परचेज नहीं करती हूँ। और ये इन लोग के लिए भी है जिनकी स्किन सेंसिटिव है या फिर एक्ने प्रोन है, तो आप लोग को भी थोड़ा सोच के इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। रिजल्ट मिलता है नो डाउट, मेरे को भी दिख रहा है, बट थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी आया है, कुछ जगह पे अभी भी बर्निंग सेंसेशन लग रहा है। तो होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलती हूं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।